हेलो फ्रेंड, मैं सुषमा मौर्य स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आज हम छोटे छोटे कपड़े के जो टुकड़े बचते हैं सिलाई करते समय, इनका यूज़ बताने वाली हूँ। तो हम एक इन कतरनों से खूब सुंदर सा डोरमेट बनाने वाले हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये कि कैसे ये बनेगा। तो जो ये छोटे छोटे टुकड़े हैं हमारे पास, इनको हम फोल्ड करके इस तरह से, और चौड़ाई हमारी 1 इंच की रहेगी और हमारी जो लंबाई रहेगी वो 5 इंच की रहेगी। तो इस तरह से पतली पतली पट्टियों को हम ऐसे कट कर लेंगे, 1 इंच चौड़ी और 5 इंच लंबी, इस तरह से। इसको हमने कई फोल्डों में कर दिया है, जैसा टुकड़ा है छोटा बड़ा उसके अकॉर्डिंग हम ऐसे ऐसे लंबी लंबी पट्टियाँ काटेंगे, क्योंकि अगर हम इसे छोटी काटेंगे तो हम इसको ऊन सिलाई से बनाने वाले हैं। फ्रेंड, जो हमारे पास पुराना स्वेटर या पुराना ऊन बचा होता है, स्वेटर पुराना है तो उसको खोल के और उसके गोले बना लें, उसके बाद बनाएं, क्योंकि डोरमेट ही बनाना है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम न्यू ऊन से बनाएं। इसलिए जो हमारे पास ऊन रहता है इसी से मैं पुराने सामानों का यूज़ बताने वाली हूँ। फ्रेंड, तो इस ये पट्टियों को हम इस तरह से, जितने भी हमारे पास टुकड़े यूजलेस बचते हैं उनको हम ऐसे रफली काट लेते हैं। काटने के बाद हम बताते हैं फ्रेंड, ये कट कर लें ऐसे होगा, क्योंकि बनने के बाद हमारा ये डोरमेट जो है बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ही आसान तरीके से बना है। फ्रेंड, इसमें कोई परेशानी कुछ भी नहीं होती है और लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत बनेगा। तो ये कट हो जाते हैं टुकड़े, इसके बाद में बताती हूँ कि क्या करना है। पट्टियों को हमने कट कर लिया है इस तरह से, ये जो कतरने हैं कतरनों से हमने ये पट्टियों को कट किया है, क्योंकि इसमें ढेर सारी लगेंगी इसलिए हमने इकट्ठे इसको कट करके रख लिया है, ये बार बार काटने का झंझट खत्म। तो इस तरह से ये हमारा रेडी हो चुका है सारा कटिंग जो है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे ये बताते हैं फ्रेंड। पहले स्वेटर बुनने की जो सिलाई होती है उस सिलाई में हमने इसमें फंदे डाल रखे हैं। आपको चौड़ा पतला जितना साइज आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम इसमें फंदे डालते हैं। जैसे स्वेटर बुनते हैं फंदे डालते हैं बॉर्डर के लिए, इस तरह से हमने इसमें 45 फंदे डाल लिए हैं, क्योंकि हमें ये कतरने जब पड़ती हैं फ्रेंड तो हम इसकी जो चौड़ाई कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो भी जगह कवर करती है, इसलिए हम इसे बहुत ज़्यादा फंदे नहीं डालने हैं, 40, 45, 50 इसी हिसाब से डालने हैं। इससे ज़्यादा करने में बहुत ही बड़ा बन जाएगा। इसको हम किसी भी आकार में बना सकते हैं, पर इसको हम बिल्कुल ऐसे चौकोर साइज़ का बनाएंगे, थोड़ी लंबाई में ही रहेगा, चौड़ाई थोड़ी कम रहेगी, लंबा थोड़ा ज़्यादा रहेगा, जिससे रेडीमेड आता है इसकी तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले हम फंदे हमारे पड़ चुके हैं फ्रेंड, इसको इसका तरीका मैं बताती हूँ किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले जिसे हम उल्टा बिनते हैं, सीधा और उल्टा बिनते हैं, लेकिन हमें इसमें उल्टा ही बिनना है। तो ऐसे सिलाई हमने ऐसी की ऐसे, और जो भी कटिंग हमने कट करके रखी हुई है उस कटिंग को आसानी से ऐसे करके इसमें इस तरह से कर लिया और उल्टा हम इसको बीन लिया हमने इस तरह से। कोई भी कलर लगा सकते हैं, तो रंग बिरंगा है और काफ़ी खूबसूरत लगेगा जब रंग बिरंगा बनेगा। तो इस तरह से हम इसको एक एक स्टेप बनाते चले जाएंगे, एक एक फंदों में इस तरह से, जैसे हमने कटिंग ली ऐसे लेके ऐसे इसको ऐसे घुमा दिया, इसके बाद इस ऊन को ऐसे घुमा दिया, ये हो गया।
इसी तरह से पूरी सिलाई हम इस तरह से बुन जाएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है फ्रेंड कि ऊन हमारा बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होना चाहिए, थोड़ा मोटा रहेगा तभी ये मज़बूत बनेगा, इसलिए ऊन को थोड़ा मोटा ही लगाना है। सिलाई का कोशिश करना है हमें कि जो हम सिलाई को यूज़ करेंगे वो हमारी मोटी ही सिलाई रहे, बहुत बारीक रहेगी तो बहुत प्रॉब्लम होती है बनाने में, क्योंकि ये फंदा आर पार निकालने में दिक्कत होती है पतली सिलाइयों में, इसलिए थोड़ी कम से कम हमने 8 नंबर का यूज़ किया है। अगर आपके पास इससे भी मोटी हो तो आप इससे भी ज़्यादा मोटी सिलाई लगा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर हमारे पास लंबी सिलाइयाँ हो, जैसे कि हम छोटी लगा रखे हैं क्योंकि हमें बहुत बड़ा नहीं बनाना है, लेकिन अगर बड़े साइज़ का बनाना है डोरमेट तो हमें वो जो इससे लंबी सिलाइयाँ आती हैं उसको हम यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बन जाएगा इससे भी, लेकिन थोड़ी सी परेशानी होती है कि जब ये फैलता है ना, जब ये कपड़ा पड़ता है इस पर तो फिर इसकी जो चौड़ाई होती है वो कुछ बढ़ जाती है, वो भी जगह कवर करती है, तो इसलिए चौड़ी लंबी सिलाई रहेगी तो हमारी अच्छी रहेगी। तो बना लेते हैं, बन जाएगा, ऐसे भी बन जाएगा। और लंबाई चौड़ाई तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग होता है। हर सिलाई में अब जब उल्टी साइड से हम आएंगे, ये सीधी साइड है हमारी और ये हमारी उल्टी साइड है, उल्टी साइड से आएंगे फ्रेंड तो सिर्फ उल्टा उल्टा ही बीनेंगे, उसमें ये ऊन हमें ये कपड़े जो हैं टुकड़े हमें नहीं लगाने हैं, ये कंप्लीट होता हो जाता है तो बताते हैं फ्रेंड। थोड़ा सा रह गया है, सीधी सिलाई हमारी कंप्लीट हुई फ्रेंड। अब उल्टे साइड से, ये उल्टा साइड है, उल्टे साइड से इस तरह से हम बुनेंगे। ये ऊन लेते हुए एक एक कतरने हमने लगाई हैं तो अब उसको बिल्कुल उल्टा ऐसे बीनेंगे, जैसे उल्टा नॉर्मल बीनते हैं ऐसे ही, ऐसे पकड़ पकड़ करके, बहुत लूज ना बीनना है ना बहुत ढीला बीनना है, मीडियम में रहे इस तरह से, एक एक ये पार्ट छूटने ना पाए, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। ऊन के साथ साथ इन कटिंग्स जो हमने लगाई हैं इनको इसके साथ ऐसे डालते हुए उल्टा हमें बुन लेना है, पूरी सिलाई को फ्रेंड इसी तरह से बुन लें। इसके बाद बताते हैं क्या करना है। इस तरह से हमारा रॉन्ग साइड कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड, ये अब देखिए सिलाई पर ये ऊन ऊन ही दिख रहे हैं क्योंकि वो हमने उल्टा बिन लिया, वो अंदर चला गया। अब इसके बाद फिर हम राइट साइड से आते हैं, ये रॉन्ग साइड है हमारी और ये राइट साइड है। अब जो काम हमने पहले किया है पहले सिलाई में वही काम फिर से हमें करना है। अब एक एक कटिंग्स को ले करके इस तरह से हमें और इसमें फंसाते हुए इसको जैसे हमने बुना है पहली सिलाई सेम वही कंडीशन पूरे डोरमेट में ही बनाना है। जैसे मान लीजिए हमने इसको बना लिया और जैसे हमने बताया है इसको ऐसे फंसा के बनाने को, सीधी साइड से हमें यही करना है और जो हमारी रॉन्ग साइड उल्टी साइड है उधर उल्टा उल्टा बिनना है, बस यही प्रक्रिया हमें अपनानी है और इसी से हमारा ये खूबसूरत सा डोरमेट बनकर रेडी हो सकता है। तो इसको बिन लेते हैं फिर दिखाते हैं फ्रेंड, फाइनल लुक फ्रेंड। हमने यहाँ स्टार्टिंग की इधर से और इसको बुनते बुनते ये पूरा हम बना चुके,
अब इसमें रंग बिरंगी जो कतरने हैं हमारी वो इसमें लग चुकी हैं फ्रेंड। अब इसका आकार ऐसे ही है, चौड़ाई कम है और लंबाई ज़्यादा है, तो अपनी च्वाइस के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं जैसा आपको पसंद हो। इसको इसका शेप गोल है, त्रिकोण, जैसा भी बनाना हो, स्टार नुमा, कई तरह से बनता है फ्रेंड, लेकिन हमने इस तरह बनाया है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। थैंक यू।